दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर जीएसटी के साथ साथ टीसीएस को एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी किसी भी गुड्स के ऊपर आप किस तरीके से जीएसटी के साथ साथ टीसीएस को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि आखिर ये टीसीएस होता क्या है और इसे किन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है और आखिर इसे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये टीसीएस होता क्या है। तो दोस्तों टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी गुड्स को सेल करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं यानी लेन देन करते हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको टैक्स कलेक्ट करना होता है और उसके बाद इसे सरकार को पे करना होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर ये टीसीएस टैक्स होता क्या है। तो दोस्तों टीसीएस टैक्स एक तरीके से आपका इनकम टैक्स होता है जिसको आपको सेल करते समय रिसीव करना होता है सामने वाले कस्टमर से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पर आखिर टीसीएस की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टीसीएस होता है वो सभी आइटम्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर ही टीसीएस आपका लगाया जाता है। जैसे आपका वाइन हो गया, टिम्बर हो गया, स्क्रैप प्रोडक्ट्स हो गए या फिर आपका मोटर व्हीकल्स हो गया, इन सभी आइटम्स के ऊपर आपका टीसीएस एप्लीकेबल होता है और इसकी कुछ लिमिट्स होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो वहां पर आपको टीसीएस पे करना होता है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आपने एक कार परचेज की है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 15 लाख रुपए है, तो दोस्तों यहाँ पर मोटर व्हीकल की जो वैल्यू है 10 लाख रुपए तक रखी गई है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का कोई भी कार यहाँ पर परचेज करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी टीसीएस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 10 लाख से लिमिट क्रॉस करते हैं, 10 लाख से ऊपर की कोई भी कार या कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% का टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करना होगा 15,000 रुपए, यानी 1% आपको यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है? तो दोस्तों ये टैक्स कलेक्ट करने वाला शोरूम होता है, यानी वो टैक्स आपका कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। यहाँ पर शोरूम की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपसे टीसीएस को कलेक्ट करके सरकार को आपके नाम से डिपॉजिट करे। सेम इसी तरीके से एक और कंडीशन पर टीसीएस अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई गुड्स 50 लाख से ऊपर का यहाँ पर सेल करते हैं तो वहां पर आपको अपने कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत यानी 1 अप्रैल to 31 मार्च के अंदर अगर आप 50 लाख से ऊपर का कोई भी सामान बेचते हैं तो यहाँ पर 50 लाख से ऊपर का जितना भी आप सामान यहाँ पर बेचेंगे उसके ऊपर आपको 0.1% का यहाँ पर टीसीएस सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करना होगा और उसे सरकार को पे करना होगा आने वाली 7 तारीख से पहले। यानी हर महीने की 7 तारीख से पहले आपको टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आप टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों टीसीएस ना कलेक्ट करने पर सरकार यहाँ पर उसे आपकी इनकम मानकर आपसे टीसीएस वसूलेगी। यानी यहाँ पर आपको टीसीएस पे करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो इनकम टैक्स की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत जो भी लिमिट यहाँ पर दी गई है उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको टीसीएस पे करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पर टीसीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों जिस तरीके से हम कई तरीके से अपने बिजनेस ऑफ सोर्स को इंक्रीज करते रहते हैं, सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेशन पार्ट को बढ़ाती रहती है। यानी जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप 15 लाख की कार कोई पर्सन अगर परचेज करता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो मंथली इनकम है वो 10 या 15 हजार रुपए पर मंथ है, उसकी इनकम यहाँ पर ज्यादा है, इसी वजह से वो 15 लाख रुपए की कार यहाँ पर परचेज कर रहा है। 10 लाख तक की लिमिट यहाँ पर सरकार ने दे रखी है। अगर 10 लाख से लिमिट क्रॉस होती है तो यहाँ पर उसे जीएसटी के साथ साथ टीसीएस को भी पे करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आपकी कार की जो वैल्यू है यहाँ पर 15 लाख रुपए है और 28% का आपका यहाँ पर जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल है। इसके अलावा 15,000 रुपए का आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पर शोरूम की जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से गवर्नमेंट जो टीसीएस का अमाउंट है वो हमेशा सेलर से, यानी जो भी गुड्स को बेचता है, यानी जो दुकानदार है जो सामान को बेचता है उससे टीसीएस को कलेक्ट करवाती है और उसके बाद टैक्स का अमाउंट उससे रिसीव करती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ और उसके बाद मैं इसकी टैली प्राइम में एंट्री पास करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर टीसीएस की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टीसीएस के कुछ एग्जांपल्स को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टीसीएस की डेफिनेशन को पढ़कर बता देना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस का मतलब स्रोत पर एकत्रित टैक्स यानी इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है।
यह टैक्स कुछ खास प्रकार की वस्तुओं के सौदे पर लगाया जाता है, जैसे शराब, तेंदुपत्ता, इमरती लकड़ी, स्क्रैप, मिनरल्स इत्यादि। सामान की कीमत लेते वक्त उसमें टैक्स का पैसा भी जोड़कर ले लिया जाता है और सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। टीसीएस वसूलने के बाद इसे जमा करने का कार्य सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसे कंट्रोल किया जाता है। टैक्स का उद्देश्य वस्तुओं को बेचते समय, लेन देन करते समय, खरीदार से नकद में भुगतान प्राप्त करते समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करते समय, चाहे जिस भी तरीके से पहले भुगतान किया जाए, एकत्र किया जाना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206CE में यह प्रावधान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए कुछ लाइबल गुड्स रखे हुए हैं, जिसकी मदद से हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से इसको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ गुड्स और ट्रांजेक्शन, इसकी लिमिट, टीसीएस रेट और सेक्शन, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मोटर व्हीकल का। तो यहाँ पर अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो उसकी जो लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो 10 लाख रुपए रखी गई है। 10 लाख से ऊपर की अगर आप कोई भी गाड़ी यहाँ पर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपका जो टीसीएस रेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आपको 1% देना होगा। सेक्शन 206CE 1F में इसे कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सेकंड मेथड है टीसीएस कलेक्ट करने का, वो सेल ऑफ एनी काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कोई भी वस्तु जिसकी लिमिट 50 लाख से अधिक एक साल के अंतर्गत हो जाती है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत अगर आप 50 लाख से अधिक का माल किसी को भी बेचते हैं तो 50 लाख से ऊपर का माल आपने जितना भी उसको बेचा है उसके ऊपर आपको 0.1% का यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका सेक्शन है 194Q। अब यहाँ पर इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि कोई खरीदार किसी शोरूम से एक कार खरीदता है जिसकी कीमत 15 लाख रुपये है तो उसके ऊपर जो टीसीएस का रेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% यहाँ पर लगेगा, जिसकी कीमत होती है 15,000 रुपये। शोरूम द्वारा जमा की जाने वाली टीसीएस है तो खरीदार से ली जाने वाली कुल राशि 15,15,000 रुपये है। इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर रखी है। 15 लाख रुपये की आपकी कार वैल्यू है, 1% का आपका टीसीएस रेट है, वैल्यू आती है आपकी 15,000 रुपये, जो कि हमें यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब ये टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस कलेक्टर जो होगा वो आपका शोरूम होगा, यानी शोरूम आपका टीसीएस यहाँ पर कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा, जो कि यहाँ पर कार परचेज कर रहा है, यानी मोहन कुमार हमसे कार परचेज कर रहा है, तो हमें इससे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा टीसीएस यहाँ पर कलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी लिमिट थी, कार की लिमिट, वो 10 लाख रुपये थी। तो 10 लाख रुपये से अधिक यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख रुपये की कार की वैल्यू है, तो 1% के हिसाब से हमें यहाँ पर 15,000 रुपये उससे एक्स्ट्रा कलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू आफ्टर टीसीएस 15,15,000 रुपये यहाँ पर हमें उससे कलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि किसी विक्रेता से खरीदार ने 50 लाख रुपये से अधिक का सामान खरीदा है उससे फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर उसे 50 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 0.1% के हिसाब से यहाँ पर कर काटना होगा। अब यहाँ पर आप एग्जांपल 2 के माध्यम से इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि कोई खरीदार किसी विक्रेता से 55 लाख रुपए का सामान खरीदता है तो उसे धारा 1900Q के तहत प्रारंभिक कटौती के रूप में पहले 50 लाख रुपए काटने होंगे और फिर शेष 5 लाख रुपए पर 0.1% की दर से टीसीएस काटना होगा। तो इस मामले में लागू टीसीएस 500 रुपये होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 लाख रुपए में से यहाँ पर 50 लाख रुपए हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 50 लाख रुपए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लिमिट दी गई है। तो 50 लाख रुपए माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू बचती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए बचती है। 5 लाख रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से अगर हम यहाँ पर टीसीएस निकालते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये यहाँ पर हमारा टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब ये टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक और एग्जांपल हमने नीचे समझाया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक होलसेलर लिया है और यहाँ पर हमने एक रिटेलर लिया है। होलसेलर में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल एंटरप्राइज ने एबीसी एंटरप्राइज को 50 लाख रुपए से अधिक यानी 55 लाख रुपए का सामान बेचा। यहाँ पर आप इसकी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अप्रैल 2023 के अंदर
12 लाख रुपए का सामान बेचा गया। उसी तरीके से मई 2023 के अंदर 10 लाख रुपए का सामान बेचा गया, जून 2023 के अंदर 20 लाख रुपए का सामान बेचा गया और जुलाई 2023 के अंदर 13 लाख रुपए का सामान यहाँ पर बेचा गया। इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू बनती है वो यहाँ पर 55 लाख रुपए बनती है। यहाँ पर हमारी जो लिमिट दी गई थी वो 50 लाख रुपए दी गई थी, तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टोटल सेल है वो 55 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर। 50 लाख रुपए की हमारी TCS लिमिट है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा TCS एप्लीकेबल वैल्यू इन जुलाई मंथ में आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए है, यानी जुलाई में हमने जो भी सेल की थी 13 लाख रुपए की, उसमें से हम 5 लाख रुपए के ऊपर TCS यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो 5 लाख रुपए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.1% से तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा TCS कलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर अगले महीने में भी हम इसे सेल करते हैं और भी अमाउंट का, तो जितना भी अमाउंट का हम यहाँ पर अब इसे सेल करेंगे इस साल के अंदर अंदर, हमें यहाँ पर 0.1% के हिसाब से उससे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था TCS का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, किस तरीके से TCS यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। दोनों ही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि एक्सेल मोटर्स के द्वारा मोहन कुमार को एक क्रेटा कार बेची गई जिसकी कीमत यहाँ पर 15 लाख रुपए है, जिस पर 28% का यहाँ पर GST टैक्स है और 1% का यहाँ पर TCS एप्लीकेबल है। तो हमें यहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर क्रेटा कार को यहाँ पर सेल करना है जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, जिसके ऊपर हमें 28% का यहाँ पर TCS कलेक्ट करना है और साथ ही हमें 15 लाख रुपए के ऊपर 1% का यहाँ पर TCS कलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेटा की कार वैल्यू हमने यहाँ पर लिख रखी है, GST रेट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, TCS रेट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने उसका HSN नंबर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर है एक्सेल एंटरप्राइज के द्वारा दीपक एंटरप्राइज को iPhone 13 Pro Max के 100 पीसेस यहाँ पर बेचे गए हैं जिसकी पर क्वांटिटी प्राइस 55,000 रुपये है, जिस पर 18% का यहाँ पर GST टैक्स एप्लीकेबल है और इसके अलावा 50 लाख रुपए से ऊपर 0.1% के हिसाब से हमें यहाँ पर TCS को भी यहाँ पर एप्लीकेबल करना है, यानी TCS को भी हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम टेली प्राइम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी हम आज सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम की सारी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर लिख दी है, जिसमें आप देख सकते हैं आइटम का नाम, आइटम का प्राइस, उसकी क्वांटिटी, टोटल प्राइस, GST रेट, TCS और यहाँ पर HSN नंबर आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी टेली प्राइम के अंदर कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स और यहाँ पर लेजर्स लिखे हुए हैं, तो इन सभी लेजर्स को सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम अपने नेचर ऑफ गुड्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी ट्रांजेक्शन करके देखते हैं कि हम किस तरीके से टेली प्राइम में इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं एक्सेल एंटरप्राइज के नाम से और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिल कर लेते हैं और यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिन कोड यहाँ पर फिल कर दिया है हमने, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी टेलीफोन नंबर फिल करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो रैंडमली हम यहाँ पर एक नंबर फिल कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फैक्स नंबर डाल देना है। अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपनी कंपनी की ईमेल आईडी को डाल देते हैं, तो रैंडमली हमने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम अपनी कंपनी की वेबसाइट को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। वेबसाइट को फिल करने के बाद फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पर सेम रहने देते हैं, यहाँ पर हमें एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहाँ पर कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पर एंटर करके टैक्सेशन पार्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले GST को एप्लीकेबल करना होगा, तो इसे जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें हमारा स्टेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पर रेगुलर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी कंपनी की GST नंबर फिल करना होगा, तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी का GST नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रैंडमली एक GST नंबर फिल कर लिया है, GST R1 में हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एंटर करते हुए नीचे आएंगे TCS पर और यहाँ पर हमें सबसे पहले TCS को एप्लीकेबल करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर Y प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें कंपनी का 10 नंबर फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रैंडमली एक 10 नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद सेम नंबर को हम नीचे डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे।
तो कलेक्टेड टाइप में आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल HUF को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कंपनी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको कलेक्टर ब्रांच डिवीजन डालना होगा, यानी कौन सी ब्रांच और कौन सा डिवीजन इसे कलेक्ट करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं संत नगर, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर हम इसे वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें उस पर्सन का नाम और उस पर्सन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है जो इस TCS को कलेक्ट करके डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी लेगा। तो यहाँ पर हम एक पर्सन का नाम फिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन में हमने यहाँ पर मैनेजर रख दिया है और यहाँ पर हम उस पर्सन का पैन कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक रैंडमली पैन नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी फर्दर डिटेल्स हैं वो यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेनी है। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर हम इसे एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। रेट एंड एग्जामिशन डिटेल्स के अंदर हम इसे नो रखते हुए फिलहाल यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। GST टैक्स और इसके अलावा हमने TCS को यहाँ पर एप्लीकेबल कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ लेजर्स को क्रिएट करना है, तो फटाफट हम सभी लेजर्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं, यहाँ से हमें जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं TCS नेचर ऑफ गुड्स आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम TCS के दोनों ही नेचर्स को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। इसे सेलेक्ट करते हुए हम जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने TCS नेचर ऑफ गुड्स विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपने नेचर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमें यहाँ पर एक नेचर क्रिएट किया हुआ है। तो फटाफट अभी सभी डिटेल्स को वहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नेचर ऑफ गुड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको सेक्शन फिल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेक्शन 194Q है, तो हम इसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको TCS रेट यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद पेन और विदाउट पेन। तो विद पेन अगर आप यहाँ पर TCS देखते हैं तो 0.1% का हमारा TCS रहता है, और विदाउट पेन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो TCS रेट होता है यहाँ पर 5% का रहता है। तो हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर हमारी 50 लाख रुपये है। तो हम यहाँ पर 50 लाख रुपये फिल कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग एग्जाम्पशन लिमिट। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो TCS यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं वो 50 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू के ऊपर करना चाहते हैं या आप यहाँ पर सभी वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पर इसे कलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 50 लाख रुपए से नीचे और 50 लाख रुपए से ऊपर सभी वैल्यू पर यहाँ पर TCS कलेक्ट हो, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को नो रखना है। अगर आप चाहते हैं कि 50 लाख रुपए से ऊपर की अगर हमारी यहाँ पर कोई सेल हो और 50 लाख रुपए से ऊपर की हमारी कोई वैल्यू हो उसके ऊपर ही केवल TCS यहाँ पर कलेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसे यस करना होगा। दोस्तों हम यहाँ पर इसे यस करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि 50 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस हो जाए और उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू की हम यहाँ पर सेल करते हैं केवल उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर TCS को कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर वाई प्रेस करके इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स बन चुका है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे नेचर ऑफ गुड्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा नेचर ऑफ गुड्स है वो यहाँ पर मोटर व्हीकल है। तो हमने यहाँ पर मोटर व्हीकल को फिल करके एंटर प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आपको सेक्शन फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेक्शन डाल दिया है। इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पर नीचे आएंगे। विद पेन रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रेट है 1% है, और यहाँ पर विदाउट पेन जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो यहाँ पर 20% है। यानी कोई कस्टमर जो कि आपसे गुड्स को परचेज कर रहा है अगर वो आपको अपना पैन कार्ड नंबर नहीं देता है तो यहाँ पर आपको उससे 20% का TCS कलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर वो अपना पैन कार्ड आपको देता है तो यहाँ पर उससे केवल 1% का आपको TCS कलेक्ट करना होगा। इस बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। इसके बाद एंटर करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपये है। तो 10 लाख रुपये डालकर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इस ऑप्शन को फिलहाल हम यहाँ पर नो रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर अगर 10 लाख रुपये से ऊपर एक भी रुपये की यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम सभी के ऊपर 1% का TCS कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पर नो रखते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट कर दिया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे और उसके बाद हमें जाना है यहाँ से लेजर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमें कुछ लेजर्स को क्रिएट करना है। तो लेजर को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला लेजर है हमारा मोहन कुमार का, जो हमारी पार्टी है, जिसको अंडर ऑफ हमें डालना है सेंडरी डेबिटर।
तो फटाफट हम इसका एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन को अंडर ऑफ डाल दिया हमने सेंड्री डेबिटर, क्योंकि हमारा कस्टमर है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, स्टेटरी डिटेल्स के अंदर यहाँ पर आपको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोहन कुमार हमारा जो सेंड्री डेबिटर है इसके ऊपर हम टीसीएस को यहाँ पर एप्लीकेबल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि ये पर्सन एक्चुअल में है कौन। तो फिलहाल हम इसे डाल देते हैं इंडिविजुअल रेजिडेंट, और उसके बाद हम इसे एंटर करके यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से सभी डिटेल्स को फिल कर लेना है, और यहाँ पर मैंडेटरी है आपको यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल फिल करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल नहीं डालते हैं तो यहाँ पर इस पर्सन का 20% का टीसीएस कलेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम इसकी पैन कार्ड डिटेल को फिल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक रैंडमली पैन कार्ड डिटेल फिल कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड पैन डिटेल्स को आपको यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको पार्टी का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पर नेम ऑन पैन के अंदर आपको मोहन कुमार जो कि आपकी पार्टी है उसको सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर को सेलेक्ट करते हुए आप एंटर प्रेस करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का या जीएसटी नंबर फिल करना है। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर उसे फिल करना होगा। तो फिलहाल हमारी पार्टी के पास मान लीजिए यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर स्किप करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पर फिलहाल नो रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सेंड्री डेबिटर का लेजर क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा लेजर है वो यहाँ पर दीपक एंटरप्राइज है, जो कि अंडर ऑफ सेंड्री डेबिटर जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा कस्टमर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दीपक एंटरप्राइज डाल दिया है, अंडर ऑफ सेंड्री डेबिटर डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटरी डिटेल्स के अंदर इसे भी आपको वापस से सेम उसी तरीके से यस करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर उसका पैन कार्ड डिटेल फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर एक पैन कार्ड डिटेल फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड पैन डिटेल को आपको यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना होगा, क्योंकि अगर दीपक एंटरप्राइज है जो कि आपसे इतना ज्यादा माल खरीद रही है तो उसका जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल को फिलहाल हम यहाँ पर नो रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पार्टी के लेजर क्रिएट कर लिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बनाने वाले हैं यहाँ पर सेल का एक लेजर। तो फटाफट हम यहाँ पर सेल का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया सेल्स और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसको अंडर ऑफ डालेंगे सेल्स अकाउंट के। यहाँ पर आप टाइप ऑफ लेजर के अंदर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स के अंदर भी आपको फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रखना है। एंटर करके आपको यहाँ पर गुड सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को वाई प्रेस करके यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस एप्लीकेबल का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करके एप्लीकेबल ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने नेचर ऑफ गुड्स यहाँ पर बनाए थे वो दोनों ही नेचर ऑफ गुड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर व्हीकल्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, यहाँ पर ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करना है और ना ही आपको यहाँ पर मोटर व्हीकल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एनी। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको बार बार सेल्स के लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप एक ही सेल के लेजर के अंदर जितने भी यहाँ पर आपके टाइप ऑफ नेचर गुड्स होंगे उन सभी की ट्रांजेक्शन्स एंट्री आप यहाँ पर पास कर पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर एनी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करने वाले हैं सीजीएसटी के नाम से। तो हम यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम अंडर ऑफ डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं SGST और UTGST, और उसको भी हम यहाँ पर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो दोस्तों CGST का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है, अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे दिया है। यहाँ से हमें GST को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको CGST को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर आपको यहाँ पर 0% रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टीसीएस एप्लीकेबल का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको टीसीएस को एप्लीकेबल नहीं करना है, इसको फिलहाल अनडिफाइंड रखना है।
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस यहाँ पर एप्लीकेबल हो। तो फिलहाल हम इसे यहाँ अनडिफाइंड रखते हुए यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। यहाँ से हमें जीएसटी को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हमें एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को सिलेक्ट करते हुए अनडिफाइंड रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और इसी तरीके से हम एक और लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे टीसीएस का, और टीसीएस को अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर टीसीएस को हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखते हुए एंटरप्रेस किया। यहाँ पर आपको टीसीएस को लेते हुए एंटरप्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर ऑफ गुड्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो वही सेम कंडीशन मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करना है ना ही मोटर व्हीकल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एनी। इसका बेनिफिट यही होगा कि एक ही टीसीएस के लेजर से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और मोटर व्हीकल की भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट कर लिया या फिर आपने यहाँ से मोटर व्हीकल को सेलेक्ट कर लिया तो दोनों में से किसी एक चीज़ के ही आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल एनी को रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब आ रही आती है हमारी आइटम्स क्रिएट करने की। तो फटाफट हम अपने स्टॉक आइटम को भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर वापस से स्कैप करके बाहर आएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टॉक आइटम। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो आइटम का नाम है वो क्रेटा कार है, जो कि अंडर ऑफ जाएगा हुंडई के, जो कि हमारी यूनिट है यहाँ पर नंबर्स। तो फटाफट हम यहाँ पर इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक आइटम में आने के बाद हम यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं क्रेटा कार और उसके बाद हम यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें इसे यहाँ पर अंडर ग्रुप देना होगा। तो यहाँ से हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अंडर ग्रुप है वो यहाँ पर हुंडई है। तो हम यहाँ पर हुंडई को रखते हुए एंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए एंटरप्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटरप्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जीएसटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें एचएसएन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर हम इसका एचएसएन नंबर फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एचएसएन नंबर फिल कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर कार रखते हुए एंटरप्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, यानी जीएसटी रेट को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए एंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए एंटरप्रेस करना है। हमारा जो जीएसटी रेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28% है। तो यहाँ पर 28% रखते हुए हम इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर यूनिट दिखाई दे रही है। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं नंबर्स की यूनिट और उसके बाद यहाँ पर एंटरप्रेस करके नंबर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने जीएसटी की सभी डिटेल्स और एचएसएन की जो भी डिटेल हमने फिल की थी वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको यहाँ पर केवल एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर दूसरा जो आइटम है वो 13 प्रो मैक्स है, यानी आईफोन का 13 प्रो मैक्स है। तो इसे भी हम फटाफट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों आइटम 13 प्रो मैक्स हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसका भी एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर जा करके हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एप्पल लिखते हुए हम यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे। शुड क्वांटिटी भी एडिट को यहाँ पर येस करेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए एंटरप्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका एचएसएन नंबर फिल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल और उसके बाद एंटरप्रेस करके यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 18% का टैक्स लगा करके हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से यूनिट को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यूनिट के लिए क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के हम एंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं पीसीस और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके हम पीसीस को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने जीएसटी रेट और जो भी हमने एचएसएन नंबर यहाँ पर फिल किया था वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको केवल यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स को क्रिएट कर लिया है, हमने लेजर्स क्रिएट कर लिया और सभी आइटम्स को भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम टीसीएस को एप्लीकेबल करने वाले हैं जीएसटी के साथ। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है वाउचर्स। वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें सेल के लिए एफेट दिखाई दे रहा है। एफेट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल वाउचर हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल मोटर्स के द्वारा मोहन कुमार को
क्रेटा कार बेची गई जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, जिस पर 28% का जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल है और जिसपे हमें 1% का टीसीएस कलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी हमारी है मोहन कुमार, हमने यहाँ से मोहन कुमार को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहें तो डिस्पैच की अगर डिटेल फिल करना चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टी डिटेल में भी हम एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप टीसीएस एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो कौन से नेचर ऑफ गुड्स पर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है स्पेस, स्पेस प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो यहाँ पर टीसीएस को एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो मोटर व्हीकल पर करना चाहते हैं। तो मोटर व्हीकल का हम यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम नेम हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए हम यहाँ से क्रेटा कार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी में मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 रख दिया और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव स्टॉक आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी मान लीजिए स्टॉक नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम इसे नेगेटिव रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम अपना प्राइस डाल देते हैं कि हमारे इस क्रेटा कार की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डाल दिया है 15 लाख रुपये और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करके हम नीचे आ जाएंगे, एक बार और एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको स्पेस दबा करके सबसे पहले यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो हम यहाँ से सी जीएसटी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी जीएसटी हमारा 2,10,000 रुपये यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, वापस यहाँ पर स्पेस दबा करके एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,10,000 रुपये हमें फिर से एसजीएसटी हमें दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो टोटल टैक्स वैल्यू थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,20,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 28%, यानी 15 लाख रुपये का अगर आप यहाँ पर 28% निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,20,000 रुपये बनता है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करते हुए टीसीएस को सिलेक्ट कर लेना है, और टीसीएस को सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टीसीएस कैलकुलेशन हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 15,000 रुपये ही हुआ है, यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा जो जीएसटी था यानी जो भी जीएसटी का 4,20,000 रुपये की वैल्यू थी इसके ऊपर हमारा कोई भी टीसीएस यहाँ पर कलेक्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जीएसटी के साथ साथ टीसीएस को यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर इसे नो रखते हुए आप इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर 13 प्रो मैक्स है जिसकी वैल्यू 55,000 रुपए है, जिसकी क्वांटिटी यहाँ पर 100 पीस है। तो टोटल प्राइस हमारा 55 लाख रुपए हो गया। 9,90,000 का हमारा यहाँ पर जीएसटी रेट है जो कि 18% है, और उसके बाद यहाँ पर 500 रुपए का हमें यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट करना है जो कि केवल 5 लाख रुपए के ऊपर हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर लिया है जो कि हमारा है दीपक एंटरप्राइज को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप अपनी पार्टी की डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस से हम यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ गुड्स के अंदर स्पेस दबाते हुए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अपने आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे। हमारा जो आइटम है वो 13 प्रो मैक्स है तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। ये भी नेगेटिव स्टॉक है क्योंकि ये भी हमारे पास अभी स्टॉक में नहीं है, क्योंकि हम इसे केवल आपको समझाने के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। पर क्वांटिटी का जो प्राइस था वो यहाँ पर 55,000 रुपये था, तो यहाँ पर हमने 55,000 रुपये डाल दिया है, एंटर प्रेस कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यू है 55 लाख रुपये आ चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। और भी आइटम्स अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर सी जीएसटी लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी जीएसटी 4,95,000 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि हमारा 9% है। उसके बाद वापस से स्पेस दबा करके हम एस जीएसटी और यूटी जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 लाख का यहाँ पर एस जीएसटी हमारा 9% आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, यहाँ से हमें टीसीएस को सिलेक्ट कर और टीसीएस को सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टीसीएस वैल्यू है केवल 500 रुपये यहाँ पर कलेक्ट की गई है, जो कि 5 लाख रुपये के ऊपर 0.1% के हिसाब से 500 रुपये वैल्यू हमारी बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी जीएसटी और एस जीएसटी के ऊपर हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी टीसीएस अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम इसे यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर नो रखते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर टीसीएस को कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार स्कैप करके बाहर आते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टीसीएस रिपोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टीसीएस आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर कंपनी के द्वारा 500 रुपये का टीसीएस यहाँ पर कलेक्ट किया गया है और नॉन कंपनी के द्वारा यहाँ पर 15,000 रुपये का हमारा टीसीएस कलेक्ट हुआ है। टोटल पेंडिंग अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,500 रुपये का हमारे पास यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट है जो कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो दोस्तों अब हम टीसीएस की पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आइए जान लेते हैं। तो उसके लिए स्कैप करके हम यहाँ से बाहर आएंगे, यहाँ से जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस करना है F5। F5 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं Alt C से HDFC के नाम से, इसको अंडर ओवर डाल देंगे बैंक अकाउंट के। यहाँ पर आपको अपने बैंक की सभी डिटेल्स को फिल कर लेना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ब्रांच, ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर इसे सेव कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है TCS। TCS को सिलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेंस्ट रेफरेंस आपको दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जितना भी TCS यहाँ पर पार्टी से कलेक्ट किया होगा वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जिसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सेल कर रखी है जिसमें हमने मोहन कुमार से 15,000 रुपये का यहाँ से TCS कलेक्ट किया है। और दूसरी सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं दीपक एंटरप्राइज से, जो कि कंपनी है, इससे हमने 500 रुपये का TCS कलेक्ट किया है। तो हम दोनों ही यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं एक साथ, तो हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यानी मोहन कुमार को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर से अगेंस्ट रेफरेंस को लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी पार्टी हमें दिखाई देगी दीपक एंटरप्राइज, तो इसे भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 और 500 दोनों ही अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटल वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,500 रुपये हो चुकी है। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे एंड ऑफ लिस्ट लेंगे और यहाँ पर इसे एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अभी हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। ये मैं ट्रांजेक्शन केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट नंबर फिल करना है, यानी जो भी आपका चेक का नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर चेक नंबर फिल कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट डेट देंगे यानी जिस डेट की आप यहाँ पर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसे सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर TCS कलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पर किस तरीके से उसकी पेमेंट कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।